बात पूछती हूँ, और ये बात कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी. यू आर somebody who understands numbers. आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है. क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए. मैं आपको बताता हूँ क्यों. इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको. सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे MLAs को बिजली फ्री मिलती है. इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते. और जब जनता को, इनको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूँ, तो इनको सबको तकलीफ होती है. क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूँ, तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और MLAs और MPs का सारा इलाज का खर्चा फ्री है. कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है. तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीज़ें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ, नंबर एक. दूसरी चीज़, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे. दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स. अगर मैं आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतने ही है, मैं घाटे में नहीं. आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही. CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में, दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी. हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है. मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा. अगर मैंने करप्शन ख़त्म करके, पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज गुड इकोनॉमिक्स. और तीसरी चीज, पर ये मिरेकल होता कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया. तो 125-150 करोड़ रुपए उसमें बच गए. कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो पता चला कि ये 125-150 करोड़ रुपए बच गए. हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा. सो आफ्टर 2-3 डेज दे गॉट बैक टू मी, दे सर 350-350 करोड़. सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे इतना का पैसा. तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का. मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का DTC बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया. बताओ क्या बुराई है? सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स, ये कर रहे हैं हम लोग. तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फ्री में भी देते हैं फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं फायदे में है? ईमानदारी, सही नीयत, बस और कुछ नहीं है. मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है. मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है.